नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, चमोली के बंगथल पोखरी से आ रही है। मदनलाल गुरु ने बनाई कई प्रकार की पर्यावरण से जुड़ी हुई मूर्तियां। आपको बता दें कि मदनलाल कई वर्षों से अपने पैतृक गांव बंगथल में कई प्रकार की प्लास्टिक को गलाकर उनकी मूर्तियां तैयार करते हैं। देखिए रिपोर्ट। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के रहने वाले मदन लाल गुरु को कौन नहीं जानता। जी हाँ, बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम मदन लाल गुरु है, जो वर्षों से पर्यावरण से संबंधित मूर्तियां बनाते हैं। आपको बता दें कि मदन लाल गुरु कई वर्षों से अपने पैतृक गांव बंगथल में कई प्रकार के प्लास्टिक को गलाकर उनकी मूर्तियां तैयार करते हैं और उन मूर्तियों को प्रदर्शन के रूप में नगर शहरों में जाकर प्रदर्शन करते हैं। बता दें कि मदन लाल गुरु पशुपालन विभाग में कई वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके हैं। मदन लाल गुरु का कहना है कि वह हमेशा से ही पर्यावरण के बारे में जगह जगह जाकर लोगों को पर्यावरण के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। हालांकि आजकल मदन लाल गुरु ने कई प्रकार के पशु पक्षियों की एवं जंगली जानवरों की मूर्तियां तैयार कर रखी हैं। बंगथल पोखरी से देखिए नवीन सिंह के साथ रिपोर्ट। मेरा नाम मदन लाल गुरु है और मैं ग्राम बंगथल क्षेत्र पोखरी जिला चमोली का रहने वाला हूँ और मैं 10-12 साल से ये प्रदूषण मुक्त अभियान को चलाता हूँ। मैं वन विभाग में भी जो है स्टालों पर 10-12 साल से अपने स्टाल लगाकर हमारे जो औद्योगिक मेले होते हैं जगह जगह पर, जैसे रुद्रप्रयाग में और चमोली जिले में गोचर में, तो मैं वहाँ पर जो है अपने स्टाल के माध्यम से, अपने चित्रों के माध्यम से, अपने जो ये कला है मेरी, जो मैं ये प्लास्टिक के टुकड़े और रद्दी कागज़ इनको गला करके मैं वन्य जीव की बिना जीव जो ये मृग होते हैं, जो विलुप्त जातियाँ हो रही है हमारी, जो जितने भी जंगली जानवर हैं वो जिनकी विलुप्त जातियाँ हो रही हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके चित्र बना करके, उनकी मूर्तियाँ बना करके मैं जो हूँ जनता में जो हूँ और इन मेलों में जो हूँ प्रदर्शन करता हूँ कि ये मृग हमारे जीवन रक्षक हैं, इनको जो है आग से बचाया जाए और पेड़ लगाए जाएँ और जंगलों को आग से जो है मुक्त किया जाए। इसमें सभी जन जन की भागीदारी होनी चाहिए और मुझे वन विभाग ने जो है कुछ प्रमाण पत्र देने के लिए कहा था, लेकिन अभी मिले नहीं। और मैं अपना जो ये अभियान है, जो ये प्रदूषण मुक्त अभियान है, इसको मैं आगे चलाते जाऊंगा और चलाते रहूंगा। और मेरे यहाँ पर जो है जो एक सहयोग प्रदान हुआ है, वो हमारे जो है जोशी मठ से जो है श्री नवीन भंडारी जी हैं और वे पत्रकार साहब हैं और उन्होंने जो है मेरे इस अभियान को आगे चलाने के लिए जो मेरे बहुत सारा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी दो मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइव दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525, 9412265608।